हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। प्रदीप फार्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल फार्मेसी, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन एंड स्कोप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लिनिकल फार्मेसी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विथ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पेशेंट केयर, डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स एंड एडवाइजिंग पेशेंट्स ऑन द सेफ एंड रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स। प्रोफेशन ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी विल एडवांस ओनली थ्रू द प्राइमरी गोल ऑफ क्वालिटी पेशेंट केयर। तो क्लिनिकल फार्मेसी क्या है? क्लिनिकल फार्मेसी फार्मेसी का ही एक ब्रांच है, जिसमें हम पेशेंट केयर से रिलेटेड जो भी मैटर हैं उसको डील करते हैं, साथ में ड्रग डिस्पेंसिंग का भी काम करते हैं, और पेशेंट को यह भी एडवाइस दिया जाता है कि पेशेंट के लिए कौन सी ड्रग ज़्यादा सूटेबल रहेगी और सेफ रहेगी। तो ये सारी चीज़ें क्लिनिकल फार्मेसी में स्टडी किए जाते हैं, या क्लिनिकल फार्मेसी का ये पार्ट है। और क्लिनिकल फार्मेसी तभी एडवांस हो सकता है, तभी ग्रोथ कर सकता है, जब उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है पेशेंट केयर, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। मीन्स पेशेंट केयर की जो भी क्वालिटीज़ हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनको सही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, सही मेडिकेशन प्रोवाइड करना, ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके, अगर इन बातों पे ध्यान दिया जाएगा तो क्लिनिकल फार्मेसी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेंगे। अब बात करते हैं एम ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी का मेन एम क्या है? द एम ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी इज़ टू एंश्योर द पेशेंट मैक्सिमम वेल बींग and to play a meaning role in the safe and rational use of drug। तो क्लिनिकल फार्मेसी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? वो है पेशेंट रिलेटेड केयरिंग। मीन्स पेशेंट की केयरिंग अच्छे से अच्छे तरीके से किया जाए, ताकि वह जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और साथ में जो उसको मेडिसिन चलाई जा रही है, जो मेडिसिन दिया जा रहा है, वो क्या हो, अप्रोप्रिएट हो, मीन्स सूटेबल मेडिसिन हो और सेफ हो। ये क्या है इसका, क्लिनिकल फार्मेसी का मेन ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं द मेन गोल ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी आर टू असिस्ट द फिजिशियन इन डूइंग अ बेटर जॉब ऑफ प्रेस्क्राइबिंग एंड मॉनिटरिंग ड्रग थेरेपी फॉर द पेशेंट एंड टू असिस्ट मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ एंड डॉक्यूमेंटिंग मेडिकेशन इंसिडेंट करेक्टली and to maximize the patient compliance in drug use process। तो क्लिनिकल फार्मेसी का मेन गोल है वो क्या है, जो फिजिशियंस हैं उनको असिस्ट करना। मीन्स जो ड्रग वो प्रेस्क्राइब कर रहे हैं उनको वो सजेस्ट करना, या उनसे डिस्कस करना कि कौन सी ड्रग पेशेंट के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी और सेफ रहेगी। दूसरा चीज़ है, जो पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं जैसे नर्सेज हो गए, उनके साथ कोऑपरेट करके डॉक्यूमेंटेशन में भी हेल्प करना कि जो भी मेडिसिन से रिलेटेड इंसिडेंट हो रहे हैं उनको छुपाना नहीं, उसको सही तरीके से उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है, ताकि आगे इस तरह के इंसिडेंट से बचा जा सके। ये तो रहा क्लिनिकल फार्मेसी एंड उसका एम। क्लिनिकल फार्मेसी क्या होता है और उसका मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, होप आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी कैन सर्व एज अ गाइड टू फिजिशियन फॉर सेफ एंड रेशनल यूज ऑफ ड्रग। क्लिनिकल फार्मेसी मीन्स क्लिनिकल फार्मासिस्ट एक गाइड की तरह काम करते हैं फिजिशियन के लिए, ताकि फिजिशियन यह अच्छे से डिसाइड कर सके कि पेशेंट के लिए सूटेबल ड्रग और सेफ ड्रग दिया जा सके। इसके बाद है आपका अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट कैन हेल्प टू अचीव इकोनॉमी इन द हॉस्पिटल। जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है हॉस्पिटल की इकोनॉमी में भी हेल्प करते हैं। वो किस तरह से करते हैं, बाय प्लानिंग सेफ ड्रग पॉलिसीज। जो सेफ ड्रग है पेशेंट के लिए उसकी पॉलिसीज को प्लानिंग करके और उसका इम्प्लीमेंट करा के, बाय प्रिवेंटिंग मिसयूज ऑफ ड्रग, हॉस्पिटल में जो ड्रग का मिसयूज हो रहा है उसको प्रिवेंट करना, एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ बजट फॉर फॉरकास्टिंग फ्यूचर ड्रग नीड ऑफ हॉस्पिटल।
और वो जो हॉस्पिटल की बजट है उसमें भी हेल्प करते हैं। किस तरह से हेल्प करते हैं, जो फ्यूचर में ड्रग यूज़ होने वाली है वो अच्छे से स्टडी करते हैं कि पहले कितनी ड्रग यूज़ हुई हुई है, उसी के आधार पे वो आगे कितनी ड्रग यूज़ होने वाली है। इस तरह से बजट में भी वो हेल्प करते हैं। फॉलोइंग आर मेजर स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। फर्स्ट है आपका इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स। थेराप्यूटिक इक्विवेलेंसी ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म इज इवेल्युएटेड बाय यूजिंग बायोफार्मास्यूटिक्स। इट कैन गिव यूनिक सर्विस इन द सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स। जो थेराप्यूटिक इक्विवेलेंसी है, मीन्स जो मार्केट में डिफरेंट डोजेस फॉर्म अवेलेबल हैं उनका थेराप्यूटिक इक्विवेलेंसी स्टडी करना। थेराप्यूटिक का मतलब क्या होता है, जो ड्रग का रिस्पांस हो रहा है, मीन्स जो ड्रग का बॉडी में एक्शन हो रहा है उसकी स्टडी करना। जैसे सपोज करिए मार्केट में दो डोजेस फॉर्म अवेलेबल हैं, उन दोनों की थेराप्यूटिक एक्टिविटी स्टडी किया गया है। कहने का मतलब उनका रिस्पांस अलग अलग स्टडी किया गया है और उनको कंपेयर किया गया है कि उन दोनों का रिस्पांस कहीं सेम तो नहीं है। इसको बोलते हैं क्या, थेराप्यूटिक इक्विवेलेंसी। इस केस में क्या होता है कि अगर एक ड्रग अवेलेबल नहीं है तो उसको दूसरे ड्रग से रिप्लेस किया जा सकता है। इस तरह से डिफरेंट डोजेस फॉर्म का इवेल्युएशन करके सुटेबल ड्रग को सेलेक्ट किया जा सकता है। तो ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट का मेन रोल है। अब बात करते हैं ड्रग इन्फॉर्मेशन। द ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर एक्ट एज ए डाटा बैंक। ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर क्या होता है? ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे सारे ड्रग से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे ड्रग का नाम, उसका डोज, उसका स्टोरेज कंडीशन, उसका एडवर्स इफेक्ट, उसका फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़, ये सारा जो डाटा है वो एक जगह स्टोर किया जाता है, इसलिए इसको डाटा बैंक भी कहा जाता है। इट इंक्लूड द प्रोविज़न ऑफ रिटेन एंड आर वर्बल इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग एंड थेरेपी इन रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन, कमेटीज़, पेशेंट एंड पब्लिक कम्युनिटी। क्योंकि यहाँ पे ये सारा डाटा स्टोर है, इसलिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या जो हेल्थ केयर प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं अगर उनको किसी ड्रग के बारे में जानकारी चाहिए तो वो ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर को लेटर लिख के या टेलीफोनिक कॉल करके वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो पेशेंट को सही ड्रग प्रोवाइड कर सकें जिससे पेशेंट को सेफ और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट हो सके। उसके बाद है आपका ड्रग यूटिलाइजेशन। क्लिनिकल फार्मेसी हेल्प इन द स्टडी ऑफ ड्रग अब्यूज़, ड्रग मिसयूज़, मेडिकेशन एरर ईटीसी, सो एज टू ओवरकम सच अबरप्ट रेशनल एंड सेफ यूज ऑफ मेडिसिन। जो ड्रग अब्यूज़ है, ड्रग का मिसयूज़ हो रहा है या मेडिकेशन में एरर हो रहा है, इन सब की स्टडी में भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल होता है, जिससे कि पेशेंट को सही और सेफ ड्रग दिया जा सके। इसके बाद है आपका एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अ रोल हैज़ बीन प्लेड इन एजुकेटिंग मेडिकल एंड पैरा मेडिकल स्टाफ ऑन रेशनल ड्रग थेरेपी। तो जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है ये सेमिनार ऑर्गेनाइज करके या मीटिंग करके जो हॉस्पिटल के स्टाफ हैं उनको यह बताना या उनको ट्रेनिंग करना कि कौन सी ड्रग पेशेंट के लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगी और सेफ रहेगी, या जो थेरेपी चलाई जा रही है पेशेंट को उस दौरान क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या सावधानियां रखनी है या क्या लापरवाही नहीं करनी है जिससे पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। इसके बाद है आपका पेशेंट केयर।
इट इज़ अ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी एरिया टू मॉनिटर द ड्रग थेरेपी। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का यह भी रोल होता है कि जो पेशेंट को मेडिकेशन चलाया जा रहा है उसका भी वो केयर करे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया क्लिनिकल फार्मेसी डेफिनेशन एंड स्कोप। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और जो कंटेंट मैंने इसमें एक्सप्लेन किया, आपको समझाने की कोशिश की, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।